रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो आज हमारे साथ हैं बबीता जी, आन्या जी। देवभूमि के बगीचे में आई हैं दो फूल, नाम है जिनका आन्या और बबीता जी। स्वागत करते हैं हम दिल से उनका। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का और बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रुप में आने के लिए, बहुत अपना समय निकाल करके और हमारे साथ अपने ज्ञान और हमारे साथ मेडिटेशन कराने के लिए आने जी, अभिता जी बहुत स्वागत है। तो थोड़ा थोड़ा बस इनके बारे में बताती हूँ। बबीता जी ने अपनी जर्नी JTTP 12 से शुरू करी और वहां से उनकी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो करके उन्होंने बाद में जो भी वर्कशॉप्स हुई इनर जर्नी की, उसके बाद सेफ विजडम और न्यू एनर्जी सेशन की, और उसके उसमें उन्होंने उसके साथ साथ पायमा में भी काम किया है और पायमा में मास्टर ट्रेनिंग ली है उन्होंने, और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे सेशंस भी कंडक्ट किए हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ जुड़ी हैं। और आन्या जी की जर्नी JTTP 13 से शुरू हुई है। तो आन्या जी ने भी QLU प्रोग्राम भी में अटेंड किया है, उन्होंने सोल कोच है वो QLU की, और देवी सर्किल भी उन्होंने वर्कशॉप अटेंड करी है। आई थिंक अनुपम जी, सॉरी, आई थिंक थोड़ा स्वैप हो गया। आन्या पायमा में है, पायमा यूथ का प्रोग्राम है, और हाँ मैंने आपके है। हाँ जी हाँ जी, बस हाँ। आन्या का ही बता रही हूँ मैं, JTTP 13 है ना उनका JTTP। yes, अच्छा yes. हाँ, और JTTP 12 से हाँ बबीता जी ने QLU प्रोग्राम की सोल कोच हैं और देवी सर्कल उन्होंने वर्कशॉप अटेंड करी है। वो अभी वहाँ की एडमिन वर्कशॉप अभी JTTP की भी कर रही है और वहाँ का ध्यान प्रचार, JTTP का ध्यान प्रचार कर रही है, वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उसे जान पाएंगे JTTP के बारे में, और आज वो हमारे साथ मेडिटेशन भी कराएंगे और आने अभी हमें बहुत सारी जानकारी देंगे। तो JTTP प्रोग्राम का भी आप लोग को सारा पता चल जाएगा जो लोग भी नए जुड़े हैं। एक बहुत सौभाग्य की बात है JTTP प्रोग्राम के बारे में जानने का और उसके साथ जुड़ने का, तो बहुत ध्यान से आज सुनिएगा। थैंक यू सो मच मास्टर्स, ओवर टू बबीता जी एंड आन्या। सभी को आत्मवंदन मास्टर्स। थैंक यू अनुपम जी, इतना प्यार भरा वेलकम करने के लिए, और आपके ग्रुप में इतना प्यार मिला, अंजु जी ने तो बिल्कुल लव ही भेज दिया। थैंक यू अंजु जी, एंड सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हम JTTP के बारे में बात करेंगे। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाएंगे, और पॉसिबल हो तो कमरे की लाइट को थोड़ा सा धीमा कर दे, पास में पानी रख ले, और मुझे अलाउ किया ना, मैं शेयर कर सकती हूँ ना म्यूजिक। थैंक यू गुड्डी जी। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाएंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेंगे, और कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे। जिन्होंने चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार देंगे, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें, और अपने शरीर में प्रवेश करें। जैसे दरवाजे खिड़कियां बंद करने के बाद कमरे के अंदर हमें बाहर का पता नहीं चलता, ऐसे ही हम अपने शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, बाहर का कुछ भी नहीं पता चल रहा, अपने अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले भाव रखेंगे, अपने शरीर को शांत करेंगे। हम जैसा भाव रखते हैं वैसा होता है मास्टर्स। अपने पूरे शरीर को शांत करने का भाव करें, जैसे स्कैन करते हैं सिर के ऊपर से पैर के तलवे तक स्कैन करें, धीरे 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 शरीर को शांत कर लें। इतना शांत कि आपको उस हिस्से के होने का पता ही नहीं चल रहा। आपका सिर पूरी तरह से शांत हो गया है, अब बिल्कुल गायब सा ही हो गया है।
कंधे, दोनों बाजू, हाथों की हथेली, पूरी तरह से शांत अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे से ऊपर देखें, पूरी तरह से शांत कर ले छाती, पेट, कमर से नीचे, दोनों थाईस, घुटने, दोनों पैर पूरी तरह से शांत कर लो, पैरों का तलवा, पूरा शरीर आपका शांत हो गया, आपको शरीर के होने का पता ही नहीं चल रहा, आप और आपकी सांस और कोई भी नहीं, इन सांसों को शांत करें, पूरी तरह से अपने सांसों को शांत कर लें। मन में भाव करेंगे कि मैं इस ग्रुप की संपूर्ण चेतना शक्ति के साथ जुड़ चुकी हूं, मन में भाव करें पितामह, पत्री जी और बाबा जी की संपूर्ण चेतना शक्ति के साथ जुड़ गई हूं, इस भाव के साथ अपनी दृष्टि अपने सांसों पे डालेंगे। मास्टर्स, सांस ही हमारे सच्चे गुरु हैं, बस आपकी जाति सांसों को देखते रहें एक मित्र की तरह, सांस अंदर, सांस बाहर, बार बार अपनी सांसों को देखेंगे। कोई भी सांस नहीं खींचें, बिल्कुल सहज सांस, सांस अंदर और सांस बाहर, इस आती जाती सांस के बीच में एक शून्य है, उस शून्य को भी महसूस करें। आगे का ध्यान हम संगीत से करेंगे। संगीत की डोर पकड़ के दृष्टि सांसों पे ही रखेंगे। मास्टर, thank you.
दो मिनट इस निःशब्द में ध्यान करेंगे। बार बार अपनी सांसों को देखें। मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं ये आत्मा नहीं ब्रह्म हूं। इस भाव के साथ अपने शरीर में बदलाव को महसूस करें। दृष्टि सांसों पे, बार बार अपनी सांसों को देखेंगे। कोई भी आंखें ना खोले मास्टर, अपने हृदय में धरती माता को, माता को महसूस करें। महसूस करें भूमाता के अंदर जो शांति है उसको महसूस करें। उस प्यार को महसूस करें, उस करुणा को महसूस करें। अपने हृदय में करुणा का भाव लाएं, प्यार का भाव लाएं। शांति जो माता के अंदर है इसे पूरे शरीर को भर लें। अपने शरीर में आए हुए बदलाव को महसूस करें। अपनी हृदय में कृतज्ञता का भाव लाएं, भूमाता के लिए कृतज्ञता, प्रकृति माता, विश्व माता के लिए कृतज्ञता, अपने शरीर के लिए कृतज्ञता, अपने माता पिता के लिए कृतज्ञता। श्वास गुरु के लिए कृतज्ञता, अपने गुरुओं के लिए कृतज्ञता। इस ग्रुप के लिए कृतज्ञता। कृतज्ञता के भाव के साथ धीरे से अपने पैर की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों को खोलेंगे बिना झटके के, बहुत आराम से, और आंखों पे लगा लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे मास्टर। खुद के लिए ताली बजाएंगे और इस ध्यान के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू सभी को। आगे अब आन्या है हमारे साथ, जो अपना डीटीपी के बारे में कुछ बताएंगी। आन्या आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो? यस मैम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे ध्यान के लिए, एंड थैंक यू सो मच अनुपम मैम एंड सभी मास्टर। इतनी अच्छी ग्रुप एनर्जीज है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।
लग ही नहीं रहा फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत ही अपनापन सा है. तो थैंक यू सो मच. अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? तो सबसे पहले तो आत्मबंधन बबीता जी, बबीता मैम की तरफ से आत्मबंधन. तो JTTP में हम सब आए हैं. सबसे पहले तो हम सब यहाँ पर आए हैं, हम सब जुड़े हैं क्योंकि हम सबका एक ही थॉट प्रोसेस है, एक ही विचारधारा है और हम सब ने स्पिरिचुअलिटी को चुना. आप सब ने आए इस ध्यान की यात्रा में, तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि ये ही अब शुरुआत है एक नए जन्म की आपकी, जहाँ पे आपकी लाइफ बदल जाएगी. तो पहले बेसिक्स होगा, ध्यान क्या है? ध्यान वो है जब हमारा मन पूरी तरह विचार रहित हो जाता है, और जब हम ध्यान करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है. एंड बहुत बार होता है कि हमारा ध्यान यहाँ रहता है पर मन हमारा बहुत सारे थॉट्स आते हैं, पर हमें विचलित नहीं होना है. एंड ध्यान से एक चीज है माइंडफुलनेस. अभी क्या है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, सेशन ले रही हूँ, लेकिन मेरे मन में क्या है, अरे कल मेरे को होमवर्क करना है, मैंने होमवर्क नहीं किया, या मुझे खेलने जाना है, क्या है कल मैं क्या कपड़े पहन के जाऊँ. हम एक जगह स्थिर रह के भी हमारा माइंड 10 जगह रहता है. हम पूजा करते हैं, सपोज कोई भी धर्म में कोई भी पूजा करे, सपोज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो ये जय हनुमान के आनंद सागर पर ऐसे रट्टे मार मार के जल्दी जल्दी खाना बनाना है, स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है. तो हम स्थिर नहीं रहते एक जगह रह के भी. हम फिजिकली एक जगह प्रेजेंट है पर मेंटली हम 10 जगह पे रहते हैं, यहाँ भी वहां भी, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में. लेकिन हम ध्यान करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, अभी में रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट है यही हमारे फ्यूचर का निर्माण करता है, और हमारे जब फ्यूचर में हमारे लिए सुंदरता पास होगा. अब ध्यान में क्या करना है, बेसिक आनापानासति ध्यान जो हमें पत्री सर ने बताया है, जो बहुत वर्षों पहले गौतम बुद्ध जी ने हमें बताया था. हमें अपने हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है और आंखों को बंद करना है. और वो क्यों करना है, इसके पीछे साइंस है, कोई वो नहीं है कि क्यों कर रहे हैं. क्योंकि हमारी ऊर्जा जो होती है, आप देखेंगे जब हम सो के सुबह उठते हैं तो बड़ा फ्रेश फील करते हैं, हम लगता है यार रिलैक्स हो गए. तबीयत खराब होती है तो क्या कहते हैं, चले थोड़ी देर सो जा. क्यों? क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारी 80% एनर्जी, 80% ऊर्जा हम उसे सेव करते हैं. जब हम हाथों को बंद करते हैं तो 10% ऊर्जा, और पैरों को क्रॉस करते हैं तो 10%, तो टोटल 100%. जब हम क्रॉस कर लेते हैं हमारी बॉडी में सर्किट बन जाता है, तो वो एनर्जी ट्रैप हो जाती है हमारे शरीर में, वो बाहर नहीं जाती है. इसीलिए हम अपने हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं और आंखों को बंद करते हैं, जिससे हम ऊर्जा का बचा सके. अब क्या है, ध्यान कर. हम कहेंगे ध्यान क्यों करना है, तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ आप सब उसका जवाब दें. KBC टाइप का नहीं है तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एंड कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे, बट स्टिल आप में से कितने लोग हैं जो रोज खाना खाते हैं, या चैट बॉक्स में डालिए या फिर हैंड रेस कीजिए, मेरे को जानना है कितने लोग हैं जो रोज खाना खाते हैं. सिर्फ संस्कृति मैम है जो रोज खाना खाती है. अच्छा, नेहा मैम है. अरे बाकी लोग रोज खाना ही नहीं खाते. अनुपम मैम है, 3 लोग रोज खाना खाते हैं, 4 लोग. बाकी लोग धीरे धीरे अच्छे लोग खा रहे हैं. हाँ. तो हाँ, हम रोज खाना खाते हैं. अब मैं अगर आपसे कहूँ कि अब आप 6 महीने तक कुछ ना खाना खाएं, सीधा जनवरी में खाना खाएं, तो क्या आपको एक्सेप्टेबल होगा? ये नहीं होगा ना. आप कहेंगे ये क्या बात हो रही है, जनवरी में हम क्यों 6 महीने तक बिना खाने के कैसे रहेंगे? तो वैसे जैसे हमारे भौतिक शरीर को भोजन की जरूरत है, हमारी आत्मा को कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत है, तो हमें रोज खाना खाना होता है अपने शरीर के लिए. तो वैसे ही हमें रोज ध्यान करना चाहिए, रोज ध्यान, जिससे हमारी आत्मा की उन्नति हो, आत्मा को हमारे वो मिले. ये जो हम कहेंगे कि JTTP हम क्यों ज्वाइन करें, ध्यान तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. तो क्या है कि अभी आप लोग प्ले स्कूल में है, ध्यान कर रहे हैं, पर JTTP क्या है, प्रॉपर स्कूल है, हाई स्कूल है, जहाँ आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे. जब वो ज्ञान ऐसा ज्ञान होगा जब सोच भी नहीं सकते. अभी क्या है, हमारी सोच ना छोटी है, लिमिटेड है. जैसे बहुत साल पहले कोई कहता कि हम चांद पर जाएंगे तो हम सोच सकते थे, हम कहते नहीं ये कैसी बातें कर रहा है. वैसे ही हमारी सोच अभी बहुत लिमिटेड है,
एडीटीबी में हमें इतना ज्ञान मिलता है कि हमारी चेतना का विस्तार होता है, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है। जेडीटीबी में हमारी बुद्धि का विकास होता है और हमारी आत्मा को आनंद की प्राप्ति होती है, जो वैसे नहीं होती। हम सोचते हैं कि कर लिया, पर ध्यान करने के बाद हम क्या करते हैं, उठते हैं, फिर से वही रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, हम दुखी हो जाते हैं। पर जेडीटीबी में हमें वो ध्यान मिलता है, वो ज्ञान मिलता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। फिर है मास्टर बनना, ध्यान करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को अनुभव सुनते हैं, तब हम अपनी दिव्यता से मिलते हैं, अपनी दिव्यता को जानते हैं और वही होता है मास्टर बनना। मास्टर क्या है, जो दूसरों के अनुभव से सीखे। हम अपने अनुभव से सीखते हैं वो अच्छी बात है, पर जब हम दूसरों के अनुभव से सीखते हैं तो उसे स्मार्टनेस कहते हैं। हम इस धरती पे क्यों आते हैं, अनुभव करने, लाइफ लेसन सीखने। जब हम वो नहीं सीखते तो हम बार 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 जन्म लेते हैं और पैटर्न रिपीट होते जाते हैं। अभी हम जेडीटीबी में क्या सीखेंगे कि हम जब दूसरों के अनुभव सुनेंगे तो उनके अनुभव हमारे अनुभव बन जाएंगे, तो हमें धरती पे दोबारा से वो चीजें सीखने के लिए नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों के अनुभव हमारे अनुभव हो गए। सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने कहा या मैंने तेज कार चलाई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो आपने सीख लिया उसके अनुभव से कि ठीक है तेज कार नहीं चलानी चाहिए कि एक्सीडेंट होता है, तब आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। वैसे ही जब आप दूसरों के अनुभव सुनते हैं तो वो अनुभव आपके हो जाते हैं, तो आपको वो लेसन सीखने के लिए धरती पे दोबारा जन्म नहीं लेना होगा। तो ये कितनी अच्छी बात है। जेडीटीबी में हमारा क्या होता है, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। ध्यान 1 घंटे का ध्यान होता है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हम अकेले ध्यान करते हैं जो कि अच्छी बात है, पर जब हम ग्रुप में होते हैं, जब 1000 लोग जूम पे और उसके अलावा 3000 लोग यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा एनर्जीज होती है। ग्रुप कॉन्शियसनेस जो होता है एक साथ मिलके, वो बहुत हाई एनर्जीज होती है, बहुत इंटेंस मेडिटेशन होता है। स्वाध्याय होता है क्योंकि बीच बीच में मास्टर्स आते हैं जो एक पूरी बुक लेते हैं और उसको हमें समझाते हैं अच्छे से पूरा। और फिर सज्जन सांगत्य, क्योंकि हम दूसरों के एक्सपीरियंस सुनते हैं जो बाद में हमारे अनुभव बनते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर होते हैं जिसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाता है। इससे जेडीटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो जेडीटीपी में मैंने सीखा है वो है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट क्या है, अभी हमें क्या होता है धर्म के नाम पे कुछ चीजें बोल देते हैं या हमारे अंदर खुद से नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, वो हम रिलीज करते हैं। स्पिरिचुअल हमें चीजों की पीछे साइंटिफिक चीजें पता चलती हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है। हम ऐसी अंधविश्वास जो हमारे अंदर होता है ना, वो निकलता है। हम सोचते हैं अरे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया नहीं जाना, पर्पल बिल्ली रास्ता काटेगी तो चल सकते हैं, पर वो सब नहीं है। वो जो हमारे अंदर का अज्ञानता है वो निकलती है, और हम साइंटिफिक तरीके से इसके पीछे क्या रीजन है, जैसे अभी हमने कहा आनापानासति ध्यान में हम क्यों बंद करते हैं आंखें, हमने जाना, तो वो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वी आर ऑल गॉड्स, हम सब भगवान है। एक ऐसी चीज है जो हमें एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। हम कहते हैं हम कैसे भगवान है, हमारे को तो कोई प्रसाद चढ़ा नहीं रहा है, कोई धूप दीप लगा नहीं रहा है, पर एक्चुअली में हम भगवान हैं। हम इस धरती पर आए हैं अनुभव करने चीजों को, जैसे कान्हा जी आए, जैसे राम जी आए, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद जी आए, सब एक्सपीरियंस करने आए। हम भी अनुभव लेने आए हैं इस धरती पर हम भूल जाते हैं। अर्थ का एक रूल है, जैसे ही आप जन्म लोगे आप भूल जाओगे अपनी आइडेंटिटी, हम भूल जाते हैं। जैसे हनुमान जी थे, वो कितने पावरफुल थे लेकिन वो भूल गए थे अपनी शक्तियों के बारे में। हम भी हनुमान जी की तरह हैं, हम अपनी शक्तियां भूल गए हैं। हम में बहुत शक्ति है, बहुत कुव्वत है, बहुत एबिलिटी है, बट हम जानते नहीं है। हम कहते हैं यार हमें तो कुछ पता नहीं है। हम मंदिर मस्जिद जाते हैं और फिर भगवान जी को रिश्वत देते हैं, भगवान जी ये काम कर दो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये कर दो तो ये होगा। भगवान जी को क्या है, आपने बाल काट के दोगे, भगवान कहेंगे ये क्या अपने बाल की काट के दे रहा है, ये क्यों, हमें क्या करना है, हम तो डाइट पे हैं भाई, हमें तो खाना नहीं खाना। हम अपना फेवरेट प्रसाद चढ़ाते हैं, मैं तो करती हूँ लड्डू गणेश जी को, कि मुझे तो मोती चूर के लड्डू पसंद है नहीं, बेसन के, तो मतलब बेसन के ही लड्डू चढ़ाऊंगी। गणेश जी को तो दूसरे पसंद है, पर मैं अपने फेवरेट चढ़ाती हूँ। तो क्या है, वो रिश्वत देने से। हम ही भगवान है और हम में इतनी ताकत है, हम सब कुछ कर सकते हैं। पर जब हम ध्यान में आएंगे, जब जेडीटीबी में हमें इतना ज्ञान मिलता है, इतने मास्टर्स, हाई मास्टर्स आते हैं, हमें इतना ज्ञान देते हैं, हम सबके साथ मिलकर ध्यान करते हैं, तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, हमारी चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। जैसे मैंने कहा हमारा एक नया जन्म होता है, कि तब हम रियलाइज करते हैं कि हम क्या हैं, हम में कितनी ताकत है। फिर है संकल्प शक्ति।
संकल्प शक्ति बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज है, जो विल पावर संकल्प, हम जो चीज कहें वो चीज हो जाए, ये हम में इतनी ताकत है, पर हम जानते नहीं है कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या कहते हैं यार, हम जो बुरी चीज सोचते हैं ना वो तो हो जाती है, पर जो अच्छी चीज सोचते हैं वो तो होती नहीं है। हम सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है कि जो चीज आप चाहोगे वो चीज आप पाओगे। किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है, पर ऐसा होता नहीं है। हम सोचते हैं यार एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो तो हो जाता है, पर मैं कहूँ 1,00,000 रुपए मिल गए, 1,00,000 रुपए मिल गए, तो 1,00,000 रुपए मिलते ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीफ पैटर्न रखा हुआ है कि आप ये नहीं हो सकता। बचपन से हमें क्या कहते हैं, अरे पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या हम पढ़ाई करने के लिए 10 क्रोकोडाइल को पार करके पत्थर चढ़ के, बिजली नहीं आती तो ऐसे लैंटर्न लेके पढ़ते थे। तो हमें ये सिखाया गया कि पैसे पाना बहुत ही मुश्किल और डिफिकल्ट चीज है, पैसे तो हाथ की मैल है, तुम स्पिरिचुअलिटी में हो तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। ये सारे बिलीव्स गलत है। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो और आप विश कर सकते हो कि आप मिलियनेयर बनो, और मिलियनेयर बनोगे, पैसे कोई बुरी चीज नहीं है, एंड आप जो चाहोगे वो पाओगे। संसार में निर्वाण, यही पत्री सर कहते हैं, संसार में रहो, इच्छाएं करो, उन्हें पूरा करो। और जब हमारी, हम क्या कहते हैं, नजर लग गई या ये ऐसे बोलता है तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, वो क्यों होता है? क्योंकि हम लो फ्रीक्वेंसी में हैं। अभी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी एलिवेटेड। हम अभी लो फ्रीक्वेंसी में हैं, जब हम ध्यान करते हैं तब हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। एंड JTTP के अंदर ना हमारे जो चक्र है, हमारे 7 चक्र है, उनकी क्लीनिंग होती है, उनको एक्टिवेट किया जाता है, और जो हमारे 7 शरीर है, हाँ जी हमारे 7 शरीर है, फिजिकल बॉडी, एट्रिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कैजुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, निर्वाणिक बॉडी, 7 शरीर है हमारे, हमें भले ही एक दिखता है, एंड उन सब की क्लीनिंग होती है JTTP में, एक एक चक्र की, एक दिन मणिपुर मूलाधार सारे की, फिर एक एक दिन एक एक 7 शरीरों की। तो जो हम कहते हैं ना ये हो गया, नेगेटिव एनर्जी आ गई, वो सारी रिलीज हो जाती है एंड हम एक हायर वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है, हम फिर अलग तरीके से सोचने लगते हैं और फिर जो हम चाहते हैं वो होता है। अभी ना हम विश्वास ही नहीं करते, हम सोचते हैं एक्सीडेंट होना तो बड़ा आसान है। हम क्या करते हैं, पूरी शिद्दत से मानते हैं भाई 2-व्हीलर तो बड़ा अनसेफ होता है, 2-व्हीलर पे तो एक्सीडेंट होते ही है, हमारे को कोई डाउट नहीं होता उस बारे में, पूरे यकीन से रहता है। तो क्या होता है, वो चीज हो जाती है। 1,00,000 रुपए, नहीं नहीं वो तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा। तो भले ही हम 10 बार बोल रहे हो 1,00,000 मन में रहता है, नहीं नहीं शोरूम में गए, अरे 1,000 की शर्ट ये तो बहुत महंगी है, तो हम ही खुद को वो कर रहे हैं। पर जब हम यहाँ आएंगे, हम जानेंगे संकल्प शक्ति के बारे में, हमारा ब्रेन जो है रीवायर होगा, हमारा, मैंने जैसे कहा, एक नया जन्म होगा, थिंकिंग में बहुत 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 चेंज होगा। तो इसीलिए JTTP आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ बदल गई, जैसे कि मैंने कहा JTTP करके लोगों के जो बहुत पुरानी बीमारियां थी, लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, बेड रिडन थे, वो उठ नहीं सकते थे, वो अब 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठ के ध्यान करते हैं, चल सकते हैं। लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम थी, नी पे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, एंड उनको कैसे मिराकुलस तरीके से ठीक हुआ है। और आप सब में वो शक्ति है, हम सब भगवान है, हम सब में संकल्प शक्ति है। तो JTTP आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इससे आपकी लाइफ चेंज होगी, एंड जब आपकी लाइफ चेंज होगी तो फिर आप दूसरों की लाइफ चेंज करेंगे। तो इसी के साथ वेलकम टू JTTP। आप सब ने इस सत्य के पथ को चुना, आप इस सत्य के पथ पर चल रहे हैं। JTTP में आप जुड़कर अपने आप से, अपनी आत्मा से मुखातिब होंगे, अपने सत्य को पहचानेंगे। तो सत्य के पथ पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच आन्या जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने JTTP के बारे में समझाया, पूरा ज्ञान हमको बहुत अच्छे से दिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप लोगों ने, जिसने भी JTTP नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ग्रुप में हम लोग फॉर्म डाल देंगे, और आप लोग प्लीज फॉर्म फिल कर दी, फॉर्म फिल करेंगे तो देखिए कितने सारे फायदे होंगे आप सबको, है ना। थैंक यू मैम, हमने ऑलरेडी भर दिया है, हम ऐड भी हो गए हैं जी न्यू लोग जो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है,
उन लोगों को इस ग्रुप तो लोगों ने टाइम कर रहे हैं ये सोचिए आप बोलिए जिस प्रकार अगर खेतों में बीज ना डाला जाए तो झाड़ी झंकार उग जाते हैं, उसी प्रकार ध्यान के बाद जेटीटीपी ना किया जाए तो ये तो अलग ही वो हो गया। जेटीटीपी इतना जरूरी है करना कि हम लोगों का बहुत ऐसे पोर्टल खुल जाते हैं जो हमको पता भी नहीं है। रिकॉर्डिंग कर दी हूँ। यस, मैं थोड़े ऐड करना चाहूंगी। जो भी नए मास्टर है, मुझे लगता है इस ग्रुप में ज्यादातर लोगों ने जेटीटीपी करा हुआ है और बहुत सारे बड़े सीनियर लोग भी, मास्टर्स भी यहाँ पे मुझे देख रहे हैं। तो मैं जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगी, जैसे एक मकान की नींव होती है, अगर नींव अगर स्ट्रांग नहीं होता है वो मकान टिक नहीं सकता। इसी तरह जो ये जेटीटीपी है आपके लिए फाउंडेशन, आपकी ध्यान में अध्यात्म में आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी नींव को मजबूत बनाता है। और जब ये नींव मजबूत बन जाती है तो अध्यात्म में आप ऊपर 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 जाते हैं, वो सारे रास्ते खुलने लग जाते हैं, अंदर से आपको आत्मज्ञान होता है। और बहुत सारे पीएसएस में फिर आपको वर्कशॉप मिलेंगे जो सेकेंड लेवल थर्ड लेवल ऐसे वर्कशॉप आते हैं अध्यात्म के रास्ते। सेकेंड लेवल का मतलब है अध्यात्म में थोड़ा और आगे बढ़ना। तो उसके लिए ना फाउंडेशन जो है, पूछते हैं कि आपने कोई कोर्स किया हुआ है, जेटीटीपी करा हुआ है या 40 डेज का कुछ और किया हुआ है, तभी भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने जेटीटीपी करा हुआ है। और ये आपकी फाउंडेशन बनाएगा। और जैसा आन्या ने बोला, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको पता लगेगा जेटीटीपी के थ्रू। और बहुत सारे मास्टर्स आते हैं बहुत सिंपल वर्ड में, बहुत साधारण शब्दों में हमें बता देते हैं। हमारी शरीर की उस समय ऊर्जा इतनी होती है वहां पे, जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे 20 लोग के करीब हमने एक साथ ध्यान किया। तो जब ज्यादा लोग कर रहे होते तो ऊर्जा आप महसूस कर रहे होगे, जब ज्यादा लोग कर रहे होते तो ऊर्जा ज्यादा होती है, जब एक अकेला कर रहा होता है और ग्रुप में कर रहे होते हैं। और जेटीटीपी में 5,000-4,000 ऐसे लोग एक साथ ध्यान कर रहे होते हैं, कुछ यूट्यूब से और 1,000 पार्टिसिपेंट जो कर रहे होते हैं जूम से। तो उस समय जो ऊर्जा होती है, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स भी जुड़ते हैं जो इस बॉडी में नहीं है, फिजिकल बॉडी में नहीं होते, वो भी जुड़ते हैं। तो उस समय की ऊर्जा ही अलग होती है। उस समय जब आप ध्यान करते हैं तो आपका आध्यात्मिक जो सफर है बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू मास्टर। और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस सुना सकते हैं। और ये ना फ्री होता है। यस यस, फ्री होता है, राइट। और हिंदी में होता है, 1 घंटे ध्यान का सेशन होता है, 5 से 6 ध्यान होगा, और उसके बाद आपके ज्ञान के सेशन, विजडम शेयरिंग होती है। विजडम शेयरिंग के बाद हाफ एन आवर, जो आधे घंटे का सेशन होता है, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना हो। और अगर उस समय आपको मौका नहीं दिया जाता है तो हताश होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ग्रुप ओपन किया जाता है। आप जब फॉर्म भरेंगे आपके पास कॉलिंग आएगी, उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। उस ग्रुप में रोज लिंक आएंगे, रात में जूम लिंक आएगा, मॉर्निंग में यूट्यूब लिंक आएंगे। जूम लिंक की कैपेसिटी सिर्फ 1,000 है मास्टर्स। अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं, फुल हो जाता है, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब लिंक सुबह दिया जाएगा, उससे जुड़ जाइए, सेम ऊर्जा आपको मिलेगी। और बाद में ध्यान करने के बाद बहुत सारे लोग ऑफिस जाने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, जूम से ड्रॉप कर लेते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं, 6 बजे के बाद एक बार जूम को चेक कर लें कि 6 बजे अब जूम खुला है कि नहीं, उसमें एंट्री कर लें और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से टाइप करके, चैटिंग करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब व्हाट्सएप
ग्रुप में भी कुछ घंटे के लिए व्हाट्सएप ग्रुप रोज खोला जाता है मास्टर्स, तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एडमिन्स होते हैं उससे भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रहे, प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगी, जो भी इश्यूज आ रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने में, या फिर हाई एनर्जी के टाइम पे बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में होता है, प्रोसेसेस होते हैं, वहां पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है, नए लोग जो हैं, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण बबीता जी। जय श्री कृष्ण, बहुत दिनों बाद दिखे हो। और हाँ, एक चीज और होती है, अगर आप अपना एडमिन का नंबर सेव कर लें तो आपका JTTP खुलता है, नहीं तो लिंक खुलने में थोड़ी दिक्कत आती है। ये चीज का विशेष ध्यान रखना होता है, एडमिन का नंबर जरूर सेव करना होता है। राइट, बिल्कुल सही बोला हेमलता जी ने, एडमिन के नंबर सभी सेव कर लेंगे, सभी ने फॉर्म फिल कर दिया है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है फॉर्म को फिल करने में, अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, तो आप चाहे तो डिटेल्स अपने एडमिन को, आपके व्हाट्सएप में जो है उनको दे दें, मतलब अनुपम जी को दे सकते हैं, हिमलता जी को दे सकते हैं, वो हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे ऐसे लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करते। अंजू मैम कुछ कहना चाहती हैं। मैम हां जी, मैं भी सुनना चाहती हूँ अंजू मैम को। मैम कोटि कोटि प्रणाम सभी को। ठीक बोला आपने, किसी को दिक्कत है तो एक दूसरे को बोल के उसको सॉल्व किया जा सकता है, मतलब नंबर शेयर कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो एट ए टाइम मतलब ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, नो वरी एट ऑल। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो यू कॉल मी। थैंक यू, ये बड़ा सुंदर परिवार है हमारा। शुक्रिया मैम, बहुत प्यारे फूल है ये सभी, और हमारी माँ है अंजू माँ, ममता मई माँ। अनुपम जी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाह रही हूँ कि जो भी नए हैं इस ग्रुप में और जो भी आगे भी ये वीडियो सुनेंगे, जो आज नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए है कि हम लोग सोचते हैं ना बहुत बार जिससे भी हम बात करते कि हम तो ध्यान कर रहे हैं। तो पहले जब मैंने भी शुरू किया था तो मुझे लगता था मैं ध्यान तो कर रही हूँ, मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना ध्यान नहीं होता है। जब हम JTTP में आते हैं तो हर दिन हमें इतना कुछ जानते हैं हम अपने बारे में कि हम कितनी शक्ति है हमारे अंदर, कितना कुछ है जो हम सीखते हैं। बहुत सारे जैसे पोर्टल है और बाकी जो जितने भी डिवाइन मास्टर्स हैं उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जब हम JTT में आते हैं वो सब कुछ जानने लगते हैं, हम ऊर्जा के बारे में जानने लगते हैं और हम ये जानने लगते हैं कि कैसे उसको यूज किया जाए, कैसे हम उसको साइंटिफिकली जानने शुरू करते हैं। उससे पहले क्या होता है, हम सिर्फ आंखें बंद करके, हाथ बंद करके, पैर बंद करके बैठ जाते हैं, उसके अलावा हमें ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। JTTP जब करते हैं तो हर दिन इतनी सारा ज्ञान आता है, इतना सारा कुछ ऊर्जा हम महसूस करते हैं, और हर दिन जब हम मतलब आज का दिन पूरा होता है तो वाओ, और दूसरा दिन आता है उससे भी ज्यादा होता है वाओ, सुपर वाओ, उसके बाद होता है ओ ऑसम वाओ, मतलब हर दिन ऐसा होता है कि मजा आता है। हर दिन हमें लगता है कि हम क्या हैं हमें पता करना होता है। तो जिन्होंने भी JTTP नहीं किया है उनसे है कि आप करिए, आपको पता चलेगा कि क्या है, करने से ही पता चलेगा। तो ज्वाइन जरूर करिएगा और अपने को जानिएगा। बहुत बहुत सुंदर जर्नी ये शुरू हो जाती है हमारी और हम को लगता है कि हम क्या है। वो एक शुरुआत हो जाती है लाइफ जीने की, हम जिसलिए आए हैं और हम ये मानव जीवन जिसलिए हमने पाया है वो सब कुछ हम जान पाते हैं। मानव जीवन जिसके लिए हमारे बड़े पूरे कहते हैं अरे मानव जीवन तुमने पाया है बहुत कुछ है, लेकिन शायद उनको भी नहीं पता होता है कई बार हमारे आजकल घर में कि मानव जीवन का क्या महत्व है, हम क्यों बोलते हैं वो इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम JTTP में आते हैं तब हमें वो उसके महत्व पता चलने लगती है। तो जरूर ज्वाइन करिएगा मास्टर्स, और किसी को कोई भी हेल्प की जरूरत है तो आप हम में से किसी के पास भी आ सकते हैं बेहिचक। आत्मवंदन मास्टर्स, मैं सुमन छतवाल बोल रही हूँ, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। आप अनम्यूट है मैम, बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, ओके ओके, थैंक यू।
मैं एक्चुअली जेटीटी भी 12, 13 और 14 तो रेगुलर करा हुआ है, तो लास्ट अक्टूबर से मेरा छूट गया था इनर जर्नी करने के बाद, तो फिजिकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो अब मेरे को तब भी फॉर्म भरना पड़ेगा उस ग्रुप में, मैं ऑलरेडी हूँ जेटीटीपी ग्रुप में। मैम अगर आप YouTube से कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल भरने की जरूरत नहीं है, उस ग्रुप में हम YouTube लिंक डालेंगे, लेकिन आपको इच्छा, हाँ जी, अगर Zoom लिंक चाहिए तब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके ओके मैम, जो आपका JTTP 12 का वो है ना, उसमें आपके YouTube आपके उसमें सेव होगा, उसमें मैसेज आ जाएगा, आपका लिंक आ जाएगा YouTube का। ओके 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 आप इस ग्रुप में भी तो डाल रहे हैं ना, देवभूमि में भी तो डाल रहे हैं ना? हाँ, उसमें भी डालेंगे। हाँ, मैं देख लूंगी, चेक कर लूंगी। आप JTTP में होंगे तो हम जरूर डालेंगे, लेकिन ऐसे इसको हम सब जगह नहीं डाल सकते ना मैम, आपको पता है रूल्स। अच्छा अच्छा हाँ, नहीं, जिसने फॉर्म भरा है वो ही करेगा, और जो जिन्होंने जो कर चुके हैं उनको यूट्यूब लिंक मिलेगा। हेमलता जी, इस बार हमने ना जो लोग पुराने भी हैं उनके लिए भी जूम लिंक के लिए ओपन किया है। अच्छा। हर बार हम ये बोल रहे होते हैं कि आप प्लीज यूट्यूब से कीजिए, लेकिन इस बार हम जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी ओपन करा है कि आपको अगर जूम लिंक चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अगर नहीं चाहिए, आप YouTube से कंफर्टेबल हैं तो आपको उसी ग्रुप में लिंक मिल जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ। जब मैंने आप फॉर्म भरेंगे ना मैम, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको लिंक आप ग्रुप में ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। नहीं, जब मैंने 12 करा था ना, तब उन्होंने 13 पे बोला था कि ग्रुप उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उनको जूम में ले लिया जाएगा। मेरे को 12, 13, 14 शायद मैंने 15 और 16 भी शायद करा है, 16 पूरा नहीं करा था, 15 तक भी शायद करा है, मेरे को पूरा याद नहीं है। इनर जर्नी के बाद एक और आया था ना, वो मैंने करा था, तो मेरी गिर गई थी, न्यू एनर्जी आई थी मैम। अब जैसे आप लोग कहते हैं अगर फॉर्म भरना है तो मैं भर दूंगी, ऐसी बात नहीं। आपका मन है तो आप भर दीजिए मैम, आपको जो लिंक मिल जाएगी फॉर्म। मतलब मैं शाम का तो ये फिर कर सकूंगी, शाम का ये कर सकूंगी ना आप लोगों के साथ। सब लोग भर दीजिए फॉर्म फिर से, नया ग्रुप बन जाएगा, नए फ्रेंड्स बन जाएंगे। संस्कृति, शाम को आप लोगों के साथ तो ज्वाइन हो सकती हूँ ना? जरूर, हाँ मैम, वो तो जरूर। नहीं, मेरे को आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोगों के प्रेम की वजह से रेगुलर आ रही हूँ और 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना मान बढ़ाया हमारा। सच में दिल से आप सब बहुत अच्छे लगते हो, और अंजू जी से मतलब पर्सनल थोड़ा सा रहना चाहूंगी, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो, बहुत एक मतलब एक ठहरा हुआ एक व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को अच्छा लगा अंदर दिल से। आप सब तो अच्छे लगे भी, अंजू जी, नेहा जी, सब बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत ही प्यारे हैं सब। टाइम की लिमिटेशन है थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ये भी जरूरी है। कुछ कहना चाहूंगी बबीता जी और आन्या जी आपके लिए, खुद से खुद को मिलने की कोशिश है JTTP, खुद से खुद को मिलने की कोशिश है JTTP, मन मंदिर का आश्रम है JTTP, बांटो जितना बढ़ता जाए, ज्ञान विज्ञान का विज्ञान की धारा है JTTP। धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कब से चालू हो रहा है? और ये कब से चालू हो रहा है? JTTP 24 जुलाई से स्टार्ट है, स्टार्टिंग के 5 डेज तो बूट कैंप होता है, उसमें आना पाना सती होगा, उसके बाद मेरे को एक्चुअली ना राखी वगैरह हमारे ना त्योहार आ रहे हैं ना, तो मेरे को थोड़ा उस दिन ये हो जाता है ना भाई, हमारे त्योहारा का जरा वो जाता है, जाना पड़ता है ना, सबके हैं सबके। जी मैम, वो तो आप यूट्यूब से कर लीजिएगा उस दिन, जिस दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा है ना, बाद में आप कर सकते हैं, और नहीं तो रेगुलर होने की कोशिश कीजिएगा। ओके ओके ओके, आप इस उम्र में इतना कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है मैम। बस अंदर से मैं कहती डेप्थ आनी चाहिए, और गहराई में जाना चाहिए, बाहर नहीं, अब अंतर्मुखी अंतर्मुखता आनी चाहिए बस। हाँ, अब यही रास्ता है ना आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ने का, क्योंकि सब कुछ तो हो गया है, सब कुछ मिल गया है, अब आगे हाँ, क्या आगे क्या, तो ध्यान ही है आगे। एक्चुअली मैं ना सत्संग में भी बहुत बिजी रहती हूँ ना, मेरे सुबह 2 बज जाते हैं, 7-8 बजे से लेके 2 बज जाते हैं, और शाम को फिर मेरा होता है 4 बजे से 6 बजे तक,
मतलब वो भी थोड़ा मेरा बिजी हो जाता है ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं टाइम दे पाते। हाँ शुक्रिया माँ, शुक्रिया सुमन जी। ओके थैंक यू, शुक्रिया मम्मी, थैंक यू, शुक्रिया मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी और अन्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकाल के आने के लिए। थैंक यू मास्टर्स, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर ज्ञान, थैंक यू सो मच, थैंक यू अनुपम मैम इतने प्यारे फूल और लाने के लिए, थैंक यू सो मच। आप भी पीएमसी राजस्थान में प्लीज भेज दीजिएगा और उन लोगों से भी फॉर्म भरवा लीजिएगा जो जो भरना चाहे। जी मैं आपसे पीएमसी राजस्थान में भेजा है जय हो ममता जी, पीएम ममता जी जय हो, जय हो जी, जय हो आपके प्यार की जय हो। मैं आपके पास आ रही हूँ, जयपुर आ रही हूँ मैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मिलेंगे। नहीं सच में 25th की बुकिंग हुई है मॉरिस शेरेटन में एक दो दिन के लिए, सो मैं कॉल करूंगी आपको। किस जगह पे आ रहे हो? जयपुर सोच रहे कुछ दो तीन दिन के लिए। नहीं किस जगह पे आ रहे हो आप? जयपुर से, जयपुर कहाँ रुकना अपने को? मॉरिस शेरेटन करके बता रहा है अमन, कौन सी जगह है वो दीदी पूछ रही है।